भगवान की जय। आइए अब वो भजन मेरे ठाकुर के चरणों में, मेरे बाबा के दरबार में प्रार्थना सभी से। आपका मन करे ताली बजाना, मन करे गाना, लेकिन इस भजन के एक एक शब्द को जरूर सुनिएगा। आज इतना अच्छा माहौल है, साक्षात दरबार सजा है मेरे बाबा का, तो मैं चाहूंगा बड़े प्रेम से, बहुत सुंदर प्रसंग है ये, अक्सर गाता हूं, सिर्फ 7-8 मिनट का दान आपसे मांग रहा हूं दरबार में। कुछ प्रेमियों की इच्छा थी कि आज ये भजन गाऊं, तो आइए ये चंद पंक्तियां आज बाबा के दरबार में आप सबकी ओर से, मैं चाहूंगा एक एक शब्द बड़े प्रेम से सुनिएगा। क्या बात है, 11 चांदी की गदा बाबा की औकार ज्वेलर्स, क्या बात है। तो पहला कब खुलने वाला है ड्रॉ? 9:30, क्या बात है। आइए अपने अपने कूपन संभाल के रखिएगा भाई। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए बजरंग बली महाराज की। भैया 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 जी, सिर्फ 10 मिनट के लिए आना जाना बंद करवा दीजिए, बस सिर्फ 10 मिनट, बस उसके बाद खोल दीजिएगा। बोलिए सांचे दरबार की। ये भजन खास इसलिए है क्योंकि भजन ना राम का है ना हनुमान का है, ये भजन है रावण का। रावण जिसका नाम सुनते ही कुछ और चीजें दिमाग में आती हैं, रावण दहन, सीता हरण, कुछ और, लेकिन रावण की एक सच्चाई और थी। कहते हैं रावण से बड़ा विद्वान, रावण से बड़ा ज्ञानी, और इस धरती पर रावण से बड़ा शिव भक्त ना आज तक कोई पैदा हुआ और ना शायद अब कभी कोई दूसरा हो सकता है। लोग कहते हैं रावण ने एक काम किया गलत कि उसने सीता हरण किया। मैं सिर्फ 10 मिनट में आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा, सिर्फ 10 मिनट, सब छोड़ दीजिए, सब यही रहने वाला है, कोई कहीं नहीं जाएगा। रावण ने एक गलती की कि उसने सीता हरण किया, ज्यादातर लोग यही कहते हैं। पर आपको एक बात बताऊं, आपको क्या लगता है कि रावण को पता नहीं था मैं जिसे उठाकर ले जा रहा हूं वो है कौन? रावण को सब पता था कि मैं जिसे लेकर जा रहा हूं ये कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मी है। पर रावण यह भी जानता था कि अगर मुझे मुक्ति मिलनी है तो वो तभी मिलनी है जब मैं इसे उठाकर लेकर जाऊंगा। रावण को एक बात बहुत पहले पता चल चुकी थी कि प्रभु धरती पर आ चुके हैं, और रावण ने सीता हरण का कदम तभी उठाया। कहते हैं जब रावण और कुंभकर्ण जय विजय जब धरती पर आ रहे थे तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, बोले प्रभु हमें पता कब चलेगा कि आप धरती पर आ गए हमें मुक्ति देने के लिए? उस वक्त राम ने कहा, उस वक्त भगवान ने कहा, नारायण ने कहा कि सुनो, खर और दूषण तुम्हारे भाई हैं और वो दोनों तुम दोनों के समान बलशाली होंगे। जिस दिन तुम्हें खबर मिल जाए कि खर और दूषण मारे गए, समझ लेना उस दिन मैं धरती पर अवतार ले चुका हूं, क्योंकि उन्हें भी सिवाय मेरे कोई और नहीं मार सकेगा। शूर्पणखा की जब नाक कटी वो पहले रावण के पास नहीं आई, सबसे पहले खर दूषण के पास गई, और जब खर दूषण का वध किया राम और लक्ष्मण ने, फिर रावण के पास आई। तब रावण ने कहा, बोले इतनी दूर आई है, बगल में खर और दूषण थे उनके पास चली जाती। शूर्पणखा ने कहा, बोले उन्हीं के पास गई थी,
रावण ने कहा क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, वो दोनों गए ऊपर और अब अंत में तुम्हारे पास आई हूं। और जैसे ही खर और दूषण की मौत की खबर सुनी, रावण उसी वक्त खड़ा हो गया खुश होकर कि अब मेरी मुक्ति का समय आ गया, क्योंकि प्रभु धरती पर आ चुके हैं। उसके बाद सीता हरण का प्रोग्राम बना रावण का। रावण जानता था, बेवकूफ नहीं था, वो शिव भक्त था, महापंडित था, वो जानता था मैं जिसे लेकर जा रहा हूं वो स्वयं मां है। युद्ध हुआ राम और रावण का, कई बाण चलाए राम ने, कुछ नहीं हुआ। राम ने उतरे हुए चेहरे के साथ विभीषण की ओर देखा, विभीषण चुपचाप चलता हुआ राम के पास आया और चुपचाप राम के कान में आकर कहा, बोले प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, अगला बाण कहीं मत मारना, सीधा इसकी नाभि पर मारना, वहां अमृत कुंड है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा इसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये राज है जो सिर्फ मैं जानता हूं, अगला बाण कहीं नहीं, सीधा नाभि पर चलाना। और जैसे ही राम ने अगला बाण चलाया, वो बाण लगा सीधा आकर रावण की नाभि में, और जैसे ही बाण लगा रावण उसी वक्त धरती पर आकर गिरा, और गिरते ही सबसे पहले रावण की नजर पड़ी विभीषण पर, और विभीषण को देखकर रावण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और विभीषण ने शर्मा कर अपना सर झुका लिया। रावण ने दोनों आंखें बंद कर ली, जितने योद्धा थे सब रावण के आसपास जमा हो गए। राम आए, राम ने अपना धनुष साइड में रखा और हाथ जोड़कर कहा कि हे महापंडित, हे महाज्ञानी, हे महाबलशाली रावण, आज मैं स्वयं कहता हूं कि आपको मारने की ताकत मुझ में नहीं थी, मैं नहीं मार सकता था आपको, आज आप अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप जाने से पहले आज वो राज तीनों लोगों को बताकर जाएं कि आखिर आज आप इस स्थिति में पहुंचे क्यों और आपकी मौत का कारण क्या है। जिस रावण को तीनों लोकों में कोई परास्त नहीं कर सकता, काल स्वयं काल जिसके सिरहाने बंधा होता है, कुबेर जिसकी चाकरी करता है, इंद्र जिसे देखकर रास्ता बदल लेता है, वो रावण आज मर रहा है इस तरह से धरती पर, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण है। मैं चाहता हूं वो कारण आज आप सारी दुनिया को बताकर जाओ। रावण ने मुस्कुराकर कहा, बोले राम आपको नहीं पता कि मैं क्यों मर रहा हूं? राम ने कहा मुझे पता है, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो उसका इतना असर नहीं होगा, अगर आप स्वयं बताकर जाएंगे तो ज्यादा असर उसका होने वाला है, लोग उसे उतनी ही जल्दी पकड़ेंगे। आप आज बताकर जाओ कि आपने ऐसा कौन सा काम किया या आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज आप मर रहे हो, ताकि जो गलती आपने की वो गलती आने वाले कलयुग में कोई और इंसान ना करे। उस वक्त रावण ने कहा, सुनिएगा प्रेमियों, कि राम आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी ताकत नहीं थी कि आप मुझे मार दो, और आप नहीं, संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो रावण का बाल बांका कर सके, लेकिन अगर आज रावण मर रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण है। सुनिएगा प्रेमियों क्या कह रहा है वो महापंडित प्रभु राम से। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, प्रभु सुनिए, आज सुनिए, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, क्यों पराजित हुआ आप जान की वजह से, न मैं मर सका, जान की वजह से न मैं मर सका। लोग कहते हैं कि मैंने सीता हरण किया इसलिए मर रहा हूं, ये तो बहाना है राम,
सीता हरण तो मेरी मौत का कारण ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं या स्वयं मेरी मां सीता जानती है कि रावण ने कभी उनकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो कल भी मां थी और आज भी मां है, और इस बात का सबूत आपको मैं नहीं दूंगा, मेरे मरने के बाद आप कभी मां से पूछिएगा कि उनके इस बेटे ने कभी नजर उठाकर भी उनकी ओर नहीं देखा, क्योंकि मैं जानता था कि वो लक्ष्मी है। जानकी की वजह से न मैं मर सका, क्यों जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। एक बार हाथ उठाओगे उस महापंडित के लिए, दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे हाथ, और झूम कर कहिए, कहेंगे बाबा से क्या, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, 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 जानकी की वजह से न मैं मर सका, उस शिव भक्त के लिए, ये ताली बजाकर, एक दो तीन चार, बोल साचे दरबार की, ताली बजाओ, सुनना प्रेमियों। रावण ने हंसते हुए राम की ओर देखा, बोले राम एक बार अपने आप को देख, एक बार स्वयं को देखिए और एक बार इस रावण को देखिए, मेरी श्रीलंका को देखिए और मेरे कुनबे को देखिए, सुनना। राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, ओ राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, ओ राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, राज मेरा बड़ा, कुल भी मेरा बड़ा, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी, बल भी मेरा बड़ा, आयु मेरी बड़ी। और सबसे बड़ी बात, वेद चारों छो शास्त्र कंठस्थ है, 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 ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रबुद्ध में, ज्ञान में भी बड़ा तुमसे प्रबुद्ध में, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। एक बार हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हो सकता है रावण से बड़ा पंडित, जब रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी लंका पर चढ़ाई से पहले, सबने कहा बोले प्रभु पहले पूजा होनी चाहिए महादेव की, उसके बाद लंका पर चढ़ाई करेंगे, पर करवाएगा कौन, ताली बजाओ ना। इस धरती पर महादेव की पूजा तो एक ही करवा सकता है, और वो है वो आपका शत्रु जो सामने बैठा है, और वो आएगा नहीं क्योंकि आप उसका खात्मा करने जा रहे हो। राम ने मुस्कुराकर जामवंत की ओर देखा और कहा कि जामवंत आपने अभी तक रावण को समझा ही नहीं,
राम ने आदेश दिया, बोले जाओ और जाकर रावण से नहीं उस महापंडित महाशिव भक्त रावण से कहना कि प्रभु राम ने आपको शिव की पूजा के लिए बुलाया है। ये मेरा विश्वास है कि वो उसी वक्त दौड़कर आएगा। ताली बजाओ ना, ताली बजाओ ना प्रेमियों, ताली बजाओ ना। जैसे ही रावण के पास खबर पहुंची, भैया प्लीज ताली बजाओ, जैसे ही रावण को संदेशा पहुंचाया गया कि राम ने शिव की स्थापना की है और उसकी पूजा सिर्फ आप कर सकते हैं, राम आपका इंतजार कर रहे हैं, रावण ने इनकार नहीं किया। उसी वक्त राज सिंहासन छोड़ा, राजसी वस्त्र त्यागे, सफेद धोती धारण की और नंगे बदन पहुंच गया राम के पास शिव की पूजा करवाने के लिए। एक बार ताली नहीं बजाओगे ऐसे महापंडित के लिए? ये जानते हुए कि यह पूजा किसी और कारण से नहीं, मेरे सर्वनाश के लिए हो रही है, लेकिन फिर भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसा था रावण। एक बार हाथ उठाओ ऐसे महापंडित के लिए, दोनों हाथ उठाकर उठाओ ना, उठाओ। क्या बात है, अब लगा कीर्तन हो रहा है, ये हुई ना बात। दोनों हाथ उठाओ ना, उठाओ ना, ताली बजाकर, एक दो तीन चार। रावण ने मुस्कुराते हुए राम की ओर देखकर कहा, बोले राम कहां रहते हैं आप? राम ने कहा अयोध्या। रावण ने कहा अयोध्या में कहां रहते हैं? राम ने कहा अपने राजमहल में। रावण ने कहा आपका राजमहल किस चीज का बना हुआ है? राम ने कहा जिस चीज के सारे राजमहल बने होते हैं, ईंट पत्थर के। रावण ने कहा बोले आपके बने होंगे ईंट पत्थर के। रावण जहां रहता है वो ईंट पत्थरों का नहीं है राम। ताली बजाओ ना एक बार, सुनना प्रेमियों। मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। किस महल में रहता था रावण? कौन से महल में? सोने के महल में। और सोने का महल भी किसी ऐसे वैसे से नहीं लिया उसने, बल्कि किसने दिया? स्वयं महादेव ने। और महादेव के सोने में कभी मिलावट नहीं हो सकती। दोनों हाथ उठा लो एक बार, ताली बजाकर कहो, ओ मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल है। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा है, खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। और सबसे बड़ी बात, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, ओ देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में, देवराहों को कर देता अवरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात,
सुनियों, अब तक सुना नहीं सुना अब सुनना। राम ने हाथ जोड़े और रावण से कहा, बोले आपने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, उसमें कहीं कोई गलती कोई कमी नहीं है, आपकी हर बात को मैं सर माथे पर लेता हूं, हर चीज में आप उससे आगे हैं, पर अब बताइए, क्योंकि अब थोड़ा सा समय है आपके पास, अब बताइए कि फिर क्या कारण है कि आज आप इस धरती पर इस हाल में पड़े हैं। तब रावण ने कहा, बोले राम आपने कहा है तो अब आप भी सुनिए, ये तीनों लोग सुने और आने वाले कलयुग का हर प्राणी सुने कि जो गलती मैंने की है वो गलती वो दोबारा ना करें, वरना एक दिन उनका भी वही हाल होगा जो आज मेरा हाल है। अब सुनना क्या कहा रावण ने अंत में, क्यों मर रहा हूं राम, सुनिए। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, ओ मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। बोले यही फर्क है राम और रावण में, आप राम क्यों हैं मैं रावण क्यों हूं, बस यही फर्क है, कौन सा कि मैंने जीवन में ठुकराना सीखा और आपने ठुकराए हुए को गले से लगाना सीखा, इसलिए आप राम हो और मैं रावण हूं। ताली बजाओ ना, बजाओ। बजाओ। रावण ने कहा, बोले राम आपको पता ही नहीं था कि मेरी मौत कैसे होगी, ताली बजाओ ना, आप नहीं मार सकते थे मुझे। और उसी वक्त रावण ने गर्दन उठा झुकाकर विभीषण की ओर देखा, बोले आप नहीं मार सकते थे राम, लेकिन अगर आज मैं मर रहा हूं तो उसका कारण आपका बाण नहीं, बल्कि उसका कारण मेरा ये भाई है जो मेरे सामने खड़ा है, ताली बजाओ ना। जय हो। कहावत पड़ी है ना, घर का भेदी बाहर वाला नहीं घर वाला ही मारेगा आपको, ताली बजाओ ना, और कोई नहीं मार सकता, और यह सच्चाई थी तब भी और आज भी। रावण ने कहा आप मार ही नहीं सकते थे, और जैसे ही विभीषण ने आपके कान में आकर कुछ कहा था मैं उसी वक्त समझ गया था कि मेरा अंतिम समय नजदीक आ गया, क्योंकि मेरा भेद जो सिर्फ मैं और ये जानता था आज इसने आपको बता दिया, ताली बजाओ ना भाई, बजाओ ना ताली। रावण ने कहा मुझसे एक ही गलती हो गई कि मैंने इसे लात मारकर अपने से दूर कर दिया, सच्चाई यह है राम कि मेरी हार तो उसी दिन डिसाइड हो गई थी जिस दिन ये मुझसे अलग हुआ। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले, बावरा तुमने अपने लगाए गले। और क्या कहा रावण ने, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, ओ वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। भरत का नाम सुना तो लक्ष्मण को थोड़ा गुस्सा आ गया, ताली बजाओ ना, बोले यार 14 साल सेवा की मैंने, 14 साल कष्ट सहे मैंने, युद्ध कर रहा हूं मैं, दो दो बार मरने की स्थिति में पहुंच गया मैं, और नाम भरत का। लक्ष्मण ने कहा, बोले ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं मेरे साथ, साथ तो मैं रहा हूं राम के, 14 साल वनवास तो मैंने काटा है राम के, आप कह रहे हैं कि भरत तेरा भाई, भरत भैया यहां कहां है। अब सुनिएगा रावण का जवाब। रावण ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, बोले तेरे बलिदान से मैं विमुख नहीं हो रहा, मैं तेरी सेवा को बेकार नहीं बता रहा कि तूने बहुत किया राम के लिए, बहुत, लेकिन एक बात याद रखना लक्ष्मण कि तूने राम के साथ रहकर 14 साल का वनवास काटा है,
पर तेरा भाई भरत अयोध्या में राम के बगैर 14 साल का वनवास काट रहा है। 14 साल क्या, अगर तुझे 1400 साल काटने होते तू वो भी काट लेता। क्यों? क्योंकि जिसके साथ राम हो उसे कहां कोई तकलीफ हो सकती है साहब। अगर प्रभु आपके साथ हो स्वयं 2400 घंटे दुनिया के बड़े से बड़े संकट से आप खेल जाएंगे, क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। रावण ने कहा राम तेरे साथ है, तू 14 साल क्या 1400 साल काट दे तुझे पता ही नहीं चलेगा। पर उसकी सोच जो सिर्फ रावण सिर्फ राम की चरण पादुकाओं के सहारे 14 साल काट रहा है। ताली बजाओ ना ऐसे भाई के लिए। रावण ने कहा तू सब कुछ कर सकता है लक्ष्मण, लेकिन तू कभी भरत नहीं बन सकता, और भरत जैसा कोई बन भी नहीं सकता। तुझे क्या लगता है लक्ष्मण कि भरत इस वक्त राजमहलों में आराम कर रहा होगा, राजमहलों में सोता होगा, राजमहलों के छप्पर भोग खाता होगा ना? तुम यहां हो लेकिन मेरी आंखों के सामने एक एक चीज है आज भी कि अयोध्या में क्या हो रहा है। भरत राम की चरण पादुकाएं ले जाने के बाद एक दिन भी राजमहल में नहीं रहा है लक्ष्मण। जिस दिन भरत अयोध्या पहुंचा, भरत ने राम की चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रखा और उसी वक्त आदेश दिया कि राजमहल के बाहर एक झोपड़ी बनवाई जाए। आज से भरत उस झोपड़ी में रहेगा। ताली बजाओ। और तुझे पता है भरत उस झोपड़ी में सोता कहां है लक्ष्मण? कहां सोता है? लक्ष्मण ने कहा बोले झोपड़ी में जमीन पर ही सोते होंगे। रावण ने मुस्कुराते हुए कहा बोले तूने भरत को समझा ही नहीं, राम के बराबर में सोने का सौभाग्य तो तुझे मिला है। भरत का त्याग सुन, भरत ने उस झोपड़ी में भी 2 फीट का खड्डा खुदवाया है और वो जमीन पर नहीं उस खड्डे में सोता है, ये सोचकर कि जंगल में मेरा राम जमीन पर सोता होगा और मैं कभी राम के बराबर में नहीं सो सकता, मैं हमेशा राम के नीचे ही सोऊंगा। जय हो। ऐसा भाई जिसके साथ हो उसे दुनिया में कभी कोई हरा ही नहीं सकता लक्ष्मण। और यही कहा रावण ने मरते मरते कि राम वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, ओ वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। पर मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा। एक ही शिक्षा दी है रावण ने, बोले जीवन में थोड़े से फायदे के लिए कभी भी अपनों को अपनों से दूर मत करना। कभी भी हम लोग बड़े खुश होते हैं ना, बोले यार मेरे तो 10,000 फ्रेंड हैं, मेरे तो FB पर 10,000 फ्रेंड हैं, 50,000 फॉलोवर हैं, ये है फलाना ढिमका, जन्मदिन पर हजारों मुबारकबाद मिलती है आपको। लेकिन जब कभी समय बिगड़ता है ना और आप अस्पताल में पड़े होते हैं, अस्पताल के गेट में उनमें से एक भी नहीं होता, दरवाजे पर सिर्फ आपके माँ बाप और आपके भाई बहन ही होते हैं जो आपको 24 घंटे संभालते हैं, कोई भी नहीं होता, ये सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। इन रिश्तों के लिए कभी भी अपनों को मत छोड़ना। रावण ने यही गलती की थी। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, पर मैं क्यों हारा? मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में, मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, ओ राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बोलिए बजरंगबली महाराज की।